अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रियो के मैन्युफैक्चरिंग ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉकेट मिलिंग। जी हाँ, किस तरीके से आप एक पॉकेट को जो है वो एक ही कमांड से जो है वो कम्प्लीटली मशीनिंग कर सकते हैं, यानी उसमें आपकी वॉल और फेसेस दोनों आ जाएंगी। इस वक्त जो मैंने एक पार्ट मॉडल बनाया हुआ है, इसमें वॉल जो है वो ड्राफ्टेड है और ओवरऑल रेडियस लगे हुए हैं बॉटम पे भी और कॉर्नर पे भी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस बने हुए प्रोग्राम को मैं प्ले पाथ करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये मशीनिंग कर रहा है, और फिर हम इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बेसिकली लीड इन लीड आउट रीड कर रहा है। ठीक है, यानी बाहर डेप्थ ऑफ कट ले रहा है और उसके बाद वॉल के साथ इंगेज हो रहा है और बॉटम पे जा रहा है। और फिर ये यानी स्टेप डेप्थ भी हम इस प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे फिनिशिंग के, और स्टेप ओवर प्रोफाइल और सरफेस मिलिंग में सेपरेट होता है। प्रोफाइल में सिर्फ स्टेप डेप्थ होता है और सरफेस मिलिंग के अंदर जो है वो स्टेप ओवर होता है। लेकिन स्पेसिफिकली पॉकेट की कमांड में ये दोनों पैरामीटर्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कम्प्लीटली मशीनिंग हो गया। तो अब इसका प्रोग्राम मैं दोबारा शुरू से बनाता हूँ। ये पॉकेट मिलिंग की कमांड है और इसका जो स्टाइल है वो बेसिकली लिस्ट वाला है, यानी पुराना स्टाइल है, विंडो टाइप स्टाइल नहीं है। इसमें हमने टूल पैरामीटर सरफेस डिफाइन करनी है बेसिक पैरामीटर्स के अंदर। टूल इसमें मैं 12 का एंड मिल सेलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी 12 का बॉल मिल। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो 6 का, वैसे तो सोलन रेडियस के मुकाबले में जो हमारे टूल का रेडियस है वो कम होना चाहिए ताकि उसकी ट्रैवलिंग काउंट हो। तो ये यहाँ पर जनाब 8 का बॉल मिल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब पैरामीटर्स आ गए मेरे पास प्रीवियस वीडियोस के अंदर, मैं ये तमाम पैरामीटर्स डिटेल में बता चुका हूँ। अच्छा, अब हमारे पास आ गई है स्टेप डेप्थ। स्टेप डेप्थ जनाब मैं रख रहा हूँ 0.2। ठीक है, यानी जब ये स्टेप डेप्थ का पैरामीटर कब काउंट होगा, जब वॉल पे मशीनिंग हो रही होगी, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो ड्राफ्टेड हो। ठीक है, उसके बाद स्टेप ओवर आ जाते हैं। स्टेप ओवर का पैरामीटर जो है, जैसे यहाँ से पिक्चर में आप देख रहे हैं, वो बेसिकली फेस के लिए काउंट होगा। ठीक है, तो ये हम रख देते हैं जनाब 1 मिलीमीटर। प्रोफाइल स्टॉक अलाउंस, वॉल स्टॉक अलाउंस, बॉटम स्टॉक अलाउंस नहीं डिफाइन कर रही क्योंकि मैं इसको फिनिशिंग का प्रोग्राम कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब हमने यहाँ से सरफेसेस सेलेक्ट करनी है। तो ये बेसिकली मॉडल की सरफेसेस हैं, प्रोफाइल्स हैं, तो मॉडल पे सेलेक्ट करके डन करेंगे और उसके बाद हम कंट्रोल की प्रेस करके तमाम टारगेट ज्योमेट्रीज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, ओके, डन, प्ले पाथ, स्क्रीन प्ले। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इस वक्त लीड इन लीड आउट वाला ऑप्शन नहीं है, जो प्रीवियस प्रोग्राम में जो बना हुआ प्रोग्राम था मैंने आपको दिखाया था, तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको प्ले करते हैं। तो ये डायरेक्ट जो है वो मटेरियल के ऊपर डेप्थ ऑफ कट लेकर जो हमारी ड्राफ्टेड वॉल है विद रेडियस इसको मशीनिंग कर रहा है। ये हमारे पास स्टेप डेप्थ आ गया। ठीक है, थोड़ी सी इसकी फीट बढ़ाते हैं और बॉटम पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा 1 मिलीमीटर का स्टेप ओवर काउंट हो रहा है। वैल्यू मैंने बड़ी इसलिए रखी है ताकि प्रोग्राम जल्दी जनरेट हो जाए, अदरवाइज आपने 0.2, 0.3 का। अच्छा, इसको नॉर्मली हम जो है वो फ्लैट एंड मिल से भी मशीन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पॉकेट का प्रोग्राम समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही प्रोग्राम के अंदर जो है वो
प्रोफाइल और फेस, ये प्रोफाइल विद रेडियस और ये फेस, ये तमाम चीज़ें मशीनिंग में जाएंगी। बॉल की सिलेक्शन इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा मॉडल के अंदर जो है वो रेडियस लगे हुए थे। अच्छा, अब हम इसमें लीड इन लीड आउट की वैल्यूज़ डिफाइन कर देते हैं। तो कहाँ से डिफाइन होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पैरामीटर्स में जाके एंट्री एंड एग्जिट मोशन ऑल, तो जनाब ये लीड इन है, ये लीड आउट है, और ये लीड रेडियस, लीड स्टेप और टेंजेंट लीड स्टेप और नॉर्मल लीड स्टेप। प्रोजेक्टिव मिलिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिए, उसमें इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से लीड इन यस कर देंगे, लीड आउट भी यस कर देंगे, और जो हमारी लीड रेडियस की वैल्यू होगी वही हमारी लीड नॉर्मल लीड स्टेप की भी होगी, ठीक है, वरना ये रिट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो और यहाँ पर जनाब हम इसको 12 कर देते हैं या 10 भी कर सकते हैं आप, नो इशू। ओके, प्ले पाथ स्क्रीन प्ले। अब जब वॉल पे ये वॉल को स्कैन करेगा तो ये लीड इन लीड आउट के साथ स्कैन करेगा। ये देखिए ये बाहर से जो है वो, अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये बेसिकली नॉर्मल लीड स्टेप है, ये वाली लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन टेंजेंट लीड स्टेप है, और ये जो टेंजेंट लीड स्टेप के साथ जो रेडियस बन रहा है ये हमारा जो वहाँ पे हमने रेडियस की वैल्यू डिफाइन की थी, और ये टेंजेंट लीड स्टेप जो है ये लाइन, ये इसीलिए है ये वाली लाइन टेंजेंट लीड स्टेप, क्योंकि रेडियस के साथ टेंजेंसी बना रही है, ठीक है। तो जनाब ये और लीड इन लीड आउट इसलिए दिया जाता है ताकि टूल जो है वो मटेरियल के ऊपर डेप्थ ऑफ कट ना ले, बाहर डेप्थ ऑफ कट ले और उसके बाद अंदर आए, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ वॉल के लिए भी होती है, इंटरनल या आउट आउटर वॉल के लिए, ठीक है। और उसके बाद ही हमारा मशीनिंग हो गया। सिंपल सा प्रोग्राम है, आसान है, अगर आपने वन टाइम में मशीनिंग करनी है तो बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इस मॉडल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मॉडल को मैंने एक्टिव किया है और जनाब इसके अंदर रेडियस जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, शार्प एजेस हो गए, और जनाब एडिट डेफिनेशन में जाके यहाँ पे जो टेपर दिया था इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में यहाँ से हम रीजनरेट कर देते हैं, डन। तमाम प्रोग्राम रीजनरेट हो गए, पॉकेटिंग का प्रोग्राम रीजनरेट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें टूल की सिलेक्शन और पैरामीटर जो है वो हमने पैरामीटर विद अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी टूल पैरामीटर विद सरफेस, क्योंकि ड्राफ्टेड सरफेस थी वो गायब हो गई है, तो ये रेफरेंस ज्योमेट्री इसको नहीं मिल रही थी इसलिए इसने एरर दे दिया। इस तरह की सिचुएशन के लिए हम एंड मिल कटर यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड मिल कटर के लिए अब हमारे बेसिक पैरामीटर क्या होंगे, स्टेप डेप्थ जो है वो हम 0.1 कर देते हैं, और स्टेप ओवर स्टेप डेप्थ वॉल के लिए है और स्टेप ओवर जो है वो फेस के लिए है। तो स्टेप ओवर इसको जनाब मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ से स्टॉक अलाउंस में नहीं डिफाइन कर रहा। ओके, मॉडल डन, और जनाब हम कंट्रोल की दबा के दोबारा से इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके डन, प्ले पाथ स्क्रीन प्ले। लीड इन लीड आउट वाली वैल्यू ये प्रीवियस वाली ही रीड कर लेगा, ये जनाब वॉल विद फेस, प्रोफाइल विद फ्लैट या प्लानर सरफेस, आप एक ही प्रोग्राम से इसको मशीनिंग कर सकते हैं और अपना कीमती वक्त बचा सकते हैं जो कि आप लर्निंग के लिए यूज़ करें, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में मोर डिज़ाइनिंग
के ट्यूटोरियल्स जो है वो अपलोड करने वाला हूँ विद EMX। तो ये एक सस्पेंस है EMX क्या है। तो जो लोग अच्छी मोल्ड डिजाइनिंग चाहते हैं, क्विक मोल्ड डिजाइनिंग चाहते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग, एडवांस फीचर्स के साथ ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें बन जाए चंद रेफरेंस डिफाइन करने के बाद, तो वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह उस मोल्ड डिज़ाइनिंग कोर्स में मैं कवर करूँगा। मैन्युफैक्चरिंग की ऑलमोस्ट हमने ज़रूरत के मुताबिक जितनी भी कमांड्स थी वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में आपसे मुलाकात होगी। इसमें आई थिंक एक पैटर्न रह गया है तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।